गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जानू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए कि जो सीबीएसई ने अभी अभी आपका जो सिलेबस है जो टर्म 1 एंड 2 का वो क्या किया अनाउंस कर दिया कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं एंड टर्म 2 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आपका एक सर्कुलर आया था, उसमें ये बोला था कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो टू टर्म्स में हैं कि फर्स्ट टर्म आपका नवंबर दिसंबर में होगा और सेकंड टर्म जो है आपका वो मार्च अप्रैल में होगा। अगर दिसंबर में होता तो फर्स्ट वीक, नवंबर लास्ट, ठीक है। क्योंकि अभी भी इसी साल जो 2021 जो सेशन था आपका 2021, उसमें क्या हुआ था, लास्ट में आपके सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे। तो अब के बाद सीबीएसई ने क्लियर कट जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसी को देखते हुए कि आपके एग्ज़ाम्स की पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग की गई है कि मतलब कोई भी सिचुएशन आए तो आप एग्ज़ाम्स को पहले ही दे सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे, सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस 2021 एंड 2022 गूगल पे आप टाइप कर दोगे। अब यहाँ पे जो भी लिंक है किसी पे भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे सीबीएसई क्लास 12 न्यू लिखा होगा वहाँ पे, उस पर चले जाना और यहाँ पे अब ऑल सब्जेक्ट्स के सिलेबस आ जाएंगे। तो जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का दिखा रही हूँ, क्लिक। अब हम क्लास 12 के दिखा रही थी, तो अब देखो पॉलिटिकल साइंस कोड है आपका 02828, क्लास 12 आपका सेशन 2021-22 टर्म वाइज सिलेबस। तो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वही आ रहा है, कोई भी ये नहीं है कि सब टॉपिक्स डिलीट हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो एक बुक है आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से आ रहा है आपका कोल्ड वॉर, सेकंड आ रहा है आपका चैप्टर, थर्ड आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों चैप्टर्स आपके, फर्स्ट चैप्टर है वो कोल्ड वॉर है कि वो आपका आ रहा है 6 मार्क्स में, सेकंड आ रहा है द एंड ऑफ द ब्लर ऑलरेडी 8 मार्क्स के, एंड थर्ड आ रहा है यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन आपका आ रहा है 6 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड है आपके पॉलिटिक्स इन द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो सेकंड बुक्स आपकी वो है आपके चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग 8 मार्क्स में, एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 4 मार्क्स, इंडियन फॉरन पॉलिसी आपके 8 मार्क्स। तो टोटल जो दोनों बुक्स है वो आपकी 40 मार्क्स कि दोनों बुक्स का क्या किया गया बेटा कि 20-20 मार्क्स का है वो किया गया है। इसमें कोई भी टॉपिक का कुछ नहीं है, बस टर्म आपका बहुत छोटा सा ही यहाँ पे, बस ओनली चैप्टर्स के नेम है कि दोनों बुक से 3-3 चैप्टर्स हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में आपका क्या है, फाइल भी होगी, इंटरनल असेसमेंट भी होगा। इंटरनल असेसमेंट में क्या डाल है आपके, क्लास टेस्ट है आपके, पीटी हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड हैं, ऐसे सेम सेकंड टर्म में आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि सब टोटल फर्स्ट टर्म 40%, सेकंड टर्म 40%, प्रोजेक्ट वर्क 20%, 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में 10 मार्क्स। सेम वही प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे आपको लिखा गया, काइंडली रेफर टू द गाइडलाइन ऑन द प्रोजेक्ट वर्क गिवन ब्लॉ। तो ये आपको प्रोसेस जो है वो यूज़ करनी है प्रोजेक्ट में कि फर्स्ट वन है चूज एन आर्टिकल, जो भी आपको आर्टिकल चूज करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा, रिसर्च करना है, थर्ड आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड ड्रॉ द रेलिवेंट कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपका जो 10 मार्क्स का ये आपको बताया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स है वो कैसे कैसे क्या प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताई दिया। और सेकंड जो आपका मार्च में जब एग्जाम होंगे सेकंड टर्म में, उसमें आपका एक्सटर्नल 100% आएगा बोला ही है, और अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो आपका फर्स्ट टर्म में भी आएगा, बट फर्स्ट टर्म में आपको 50-50 चांसेस बोला गया है कि आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सेकंड टर्म में वहाँ पे लिखा गया है गाइडलाइंस में कि सेकंड टर्म में आपका इंटरनल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जैसे कोई भी नया अपडेशन आएगा स्टूडेंट्स, वैसे मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।